नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई कुछ बड़े फैसले लेने को मजबूर है। बीसीसीआई के इन बड़े फैसलों में कप्तानी का जिम्मा भी शामिल है, जिसे विराट कोहली को हाथ धोना पड़ सकता है। खबर है कि बीसीसीआई विराट कोहली से वनडे और टी20 यानी व्हाइट बॉल की कप्तानशिप छीन सकते हैं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली कप्तान बने रहेंगे। विराट कोहली से कप्तानी जाने के बाद रोहित शर्मा को वनडे और टी20 टीम की अगुवाई करने का मौका मिल सकता है। इससे पहले भी स्प्लिट कैप्टनशिप भारतीय टीम का हिस्सा रही है। जब अनिल कुंबले भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे तो एमएस धोनी व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान हुआ करते थे। वहीं जब एमएस धोनी ने टेस्ट टीम से संन्यास लिया तो विराट कोहली को टेस्ट की कमान सौंपी गई, जबकि धोनी वनडे और टी20 में कप्तानी करते रहे। ऐसे में बीसीसीआई ही विराट कोहली को सिर्फ टेस्ट का कप्तान बनाए रख सकते हैं। बीसीसीआई ये बदलाव इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि अगले साल ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप और 2023 में भारत में वनडे विश्व कप खेला जाएगा। इसके लिए टीम को अभी से तैयारी करनी होगी। इसी बात को लेकर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट की कप्तानी सौंपने का यह सही समय है। अभी से तैयारी करके रोहित अगले वर्ल्ड कप में अच्छा कर सकते हैं। रोहित इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त खिलाड़ी है। बता दें कि रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस को 4 बार खिताब दिलाया है। इसके अलावा रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले साल एशिया कप भी अपने नाम किया। रोहित शर्मा कई मौकों पर टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम को सफलता हाथ लगी है। तो गाइज, आपके क्या है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। धन्यवाद।